ए रूम है और यहाँ पे हॉल रूम बना हुआ है। हॉल रूम काफी बड़ा है। तो देखो भैया, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रूम वहाँ पे लो, हर किसी से कांटेक्ट मत कर लो कि हाँ भैया यहाँ पे रूम चाहिए, वहाँ पे रूम चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ऑनलाइन ऐसे कर दो, मैं आपको रूम दिलवा दूंगा, 500 दे दो, 1000 रुपया दे दो, बुक कर लो। ऑनलाइन कभी पेमेंट मत करना, ऑनलाइन कभी पेमेंट मत करना, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करना बंद करो और रूम वहीं पे लो। और वहीं ऐसे ही रूम कहीं पे नहीं ले लो। हाँ, रूम पहले इंक्वायरी कर लो उस बंदा के बारे में। चलो YouTube पे ही देख लो बंदा का वीडियो, उसके बारे में पता कर लो कि हाँ इसका वीडियो देखो कि हाँ ये बंदा रूम दिलाया है कि नहीं दिलाया, कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप बाई चांस किसी और को नंबर लेकर अगर आपको बुला लेता है, आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है या दुर्व्यवहार हो जाता है या कुछ कांड हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार आप खुद हो गए। क्यों? क्योंकि आप लापरवाही की हो। तो लापरवाही से बचो यार, सही आदमी को चुनो, सही चैनल को चुनो जो आपको जेनुअल में रूम दिलाता हो। हर किसी पर विश्वास मत करना, और विश्वास तभी करना जब उसके बारे में। तो जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। जो व्यक्ति संघर्ष से दूर रहा, वो व्यक्ति कोई गोल अचीव नहीं कर सकता, कोई सपना पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आप संघर्ष करते रहिए और अपना गोल को पाते रहिए। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, 5 सिटी यहाँ पे मेरे पास, 5 सिटी में रूम अवेलेबल है, कैसा रूम है, क्या प्राइस है। और मेरे पास आप सबके आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट बन रहा है कि भैया मेरे पास भी रूम खाली है, मेरे पास इस सिटी में रूम खाली है, कोलकाते में रूम खाली है, पुणे में रूम खाली है, बनारस में रूम खाली है, इंदौर में रूम खाली है, आगरा में रूम खाली है। तो मुझे बहुत खुशी मिलता कि आओ मेरे ऑडियंस को आप जल्द से जल्द रूम मिल पाएगा, क्योंकि ऑनर लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। अब तो बहुत लोग का रूम का होता कि भाई मैं घर बनाया हूं तो मुझे रेंट पे लगाना है, तो कांटेक्ट करते हैं, देखते हैं ओलेक्स में डालते हैं कि मेरे पास रूम खाली है, और डायरेक्टली आप यूट्यूब पे भी आने लगे हैं कि भैया आपका वीडियो देखता हूं तो सबसे पहले आप ही का वीडियो आता है। तो क्या आपके पास यहां के लिए लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, फैमिली आते हैं, तो यहां पे भी भेजो यार मेरे पास रूम खाली है। तो मैं आपको बताने वाला, और आप सब बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, आप सबके प्यार के ही बदौलत मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, मुझे जान रहे हैं कि हाँ ये भाई रूम दिलवाते हैं, तो इनको पास बोलूंगा तो मेरा रूम जल्द से जल्द लग जाएगा। तो आपका आशीर्वाद बस बना रहे और मैं आप सबके लिए मेहनत करता रहूं। तो यहाँ पे मेरे पास पहला है जो लोकेशन है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहला जो लोकेशन है और लोकेशन कैसा रूम है, आपको लाइव रूम भी दिखाऊंगा। तो पहला लोकेशन है गर्ल्स पीजी इन कोलकाता, सेक्टर 5 में। अगर आपको गर्ल्स पीजी चाहिए, अगर आपको गर्ल्स हो, अगर आपको गर्ल्स पीजी चाहिए, अच्छा फैसिलिटी में चाहिए, अच्छा डिजाइन में चाहिए, अच्छा क्वालिटी का रूम चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखो। रूम का पहले आप वीडियो देख लो। काफ़ी अच्छा लगा रूम, रूम तो काफ़ी अच्छा है दीदी, फैसिलिटी दार है। तो अगर आप इस पीजी में रहना चाहते हो, ओनली गर्ल्स, इसमें हाँ होता है कि भाई बॉयस भी आते रहेगा क्या, घर के ऑनर आते रहेगा क्या, कोई भी हालत में जैसे नहाते हो तो कोई घर के ऑनर आ गया वहाँ का, नहीं नहीं ओनली वहाँ पर लेडीज का ही रिक्वायरमेंट, मतलब लेडीज ही जा सकती है। आपको कुछ बोलना हो तो लेडीज ही जा सकती है, आपको कुछ कहना हो तो लेडीज ही जा सकती है, आपसे रेंट लेना हो तो लेडीज ही जा सकती है, मतलब सारा कुछ लेडीज से ही करता है। गर्ल्स हॉस्टल में सारा कुछ लेडीज से ही काम होता है, बॉयस का कोई मतलब नहीं। तो अगर आप गर्ल्स पीजी लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे बजट में। बट बजट तो बोले कि आप डायरेक्टली उनको नंबर दे दीजिएगा, मैं उनको बजट बता दूंगा, सारा कुछ डिटेल्स बता दूंगा। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि आपको कम से कम सिंगल बेड का अगर आप लेते हो, खाना पीना सब मिलाकर, तो आपको 5000-6000 तक आपको हो जाता है, खाना पीना जो टाइम 3 टाइम खाना मिल जाता और रूम रहने के लिए मिल जाता, फ्री वाईफाई मिल जाता, वाटर मिल जाता, सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाता 6-7 हज़ार में, आपको पूरा मंथ फ्री रहो 7 हज़ार देकर। और बात आती है कि भैया मुझे एक और लोकेशन है दुर्गापुर में। तो मैं एक कल रिप्लाई दे रहा था कमेंट का यूट्यूब में, तो भैया मुझे दुर्गापुर में रूम चाहिए क्या, दुर्गापुर में भी रूम मिल जाएगा क्या। तो भैया जैसे ही रिप्लाई किया उसी दिन मुझे आया था कि भैया दुर्गापुर में मेरे पास रूम खाली है, आपके पास है क्या लड़का लोग। हम बोले हाँ है ना, तो मैं सोचा कि चलो मेरे ऑडियंस का भी रिक्वायरमेंट है और इनको भी रिक्वायरमेंट है। तो दुर्गापुर में है 1 BHK रूम, 1 BHK है और सिंगल रूम भी है और 2 BHK का, बट अभी तो मैं 1 BHK का ही बता रहा हूँ। 1 BHK का रूम है दुर्गापुर में और इसका जो रेंट है 2600 रुपया, 1 BHK का रूम है, रेंट 2600 रुपया। तो इसका वीडियो देख लीजिए। ये हो गया किचन और ये डोर भी हो गया बना।
ये जो है ये हम खुद रखेंगे, खुद रखेंगे ठीक है। ये अगर अपना है, लैट्रिन बाथरूम हो गया, नहाने फिटनेस अभी से मिला नहीं, नहाने के लिए तो बना दिया ना, वो इधर है नहाने के लिए बना दिया। तो ये दुर्गापुर में जो रूम देखे तो रूम काफी अच्छा है भैया, उनको बोले कि अगर आपके पास रूम है तो आप उसका वीडियो भेज सकते हो क्या, तो बोले हाँ भेज सकते हैं, तो भेजे तो आपको दिखाएं कि वही रूम है और इसी टाइप का आपको रूम मिलेगा। बट रूम का क्वालिटी अच्छा नहीं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं है भैया, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अच्छा ही रूम है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी उनको नहीं आया। अगर कैमरा से लोगे तो और अच्छा क्वालिटी आता, तो थोड़ा बूढ़ा बुजुर्ग हैं तो समझना पड़ता है, थोड़ा रिकॉर्ड नहीं करने आता उनको। तो जिनको भी रूम लेना है दुर्गापुर में उनको मिल जाएगा। और बात आती है जो तीसरा जो लोकेशन है मेरे पास, तीसरा लोकेशन है बनारस में। बोलते हैं भैया मुझे बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, बनारस जाकर मुझे पढ़ाई करना है, मुझे वहाँ का कॉलेज से अगर निकल जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाता है। तो बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर बिहारी जाते हैं, पटना जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, यूपी से जाते हैं, और बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने बनारस यूनिवर्सिटी में। तो उनको रूम चाहिए होता है कि भैया, सबसे पहला पॉइंट तो होता है कि रूम कैसे मिलेगा, रूम कितना तक मिलेगा। तो आप मेरे पे भरोसा किए हो, भरोसा करो, बनारस में सिंगल रूम 1800 में दिलवा दूंगा, ओनली 1800 में, जब ही जब चाहिए रूम तब चाहिए जब दिला दूंगा 1800 में रूम मुंबई अरे बनारस में। तो कब चाहिए, 1 BHK का चाहिए, 2 BHK का चाहिए, कैसा रूम चाहिए? बट फिलहाल तो 1 BHK का जो सिंगल रूम है वो 1800 में मिल जाता। बात आता है इंदौर, भैया इंदौर में भी रूम है क्या? तो भैया एक कॉल करके बोले कि भैया मुझे इंदौर में रूम चाहिए, भैया बोले कि अभी तो कॉन्टेक्ट नहीं है। फिर आज ही मैं कॉन्टेक्ट किया इंदौर में, सच बोलूँ तो मैं आज ही कॉन्टेक्ट कर पाया हूँ इंदौर में, तो मैं उसका भी वीडियो दिखा दूंगा आपको। देखिए इंदौर में है, तो इंदौर में सिंगल रूम है, रेंट 2500 रुपया है, तो सिंगल रूम है और रेंट कितना है 2500 रुपया है, तो इसका भी वीडियो देख लीजिए। यही रूम है, एक ही रूम है, टू साइड है, देखो रूम अच्छा खासा बड़ा है, और इधर अनमेरा बना हुआ है, और इसके वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है और आपके हिसाब से तो इसमें अब तो बिजली बिल भी उसी में इंक्लूड है 2500 में, और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ता है। और बात आती है, एक है मेरे पास आगरा में, एक कमेंट आया था कि भैया मुझे आगरा में रूम चाहिए, क्या आगरा में रूम अवेलेबल है? तो भैया आगरा में रूम अवेलेबल है, 2 BHK का है, 2 BHK का आगरा में रूम अवेलेबल है और रेंट है 15000 रुपया, 2 BHK का रूम है, रेंट 15000 रुपया है। तो पहले आप इसका वीडियो देख लीजिए रूम का। तो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आपको 15000 रुपया रेंट है और एडवांस भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी जो होता है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जो भी इनका बजट है, और मैं बताया कि कहाँ कहाँ रूम है, तो पहला गर्ल्स हॉस्टल PG आपको कोलकाता में मिल जाता है सेक्टर 5 गोरखपुर में भी मिल जाता है आपको रेंट 1 BHK 26000, बनारस में आपको रेंट सिंगल रूम मिल जाता है 1800 रुपये में, इंदौर में आपको मिल जाता है ओनली रूम सिंगल रूम आपको 2500 रुपये में, और आगरा में मिल जाता है 2 BHK रूम 15000 रुपये और प्लस सिक्योरिटी मनी। तो अगर आपको इस सब सिटी में रूम चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको रूम दिलवा दूंगा। और आई होप अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कुछ भी हद तक अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको रूम चाहिए, देखिए आप रूम तो सही जगह से मिल जाएगा, बट रूम वहाँ पर लीजिए जहाँ पर आपको सुविधा हो, आपको कंफर्टेबल फील हो कि हाँ मुझे यहाँ पे रूम मिले।